जय हिंद दोस्तों, करियर एक्शन सेंटर में आपका स्वागत है। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और 2025 में अच्छे रिजल्ट लाने की तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। तो आज का हम इस वीडियो में रियल नंबर का 1.1 सॉल्व करेंगे, जो कि आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग फुल एनर्जी के साथ वीडियो में बने रहिएगा। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब हमारा चैप्टर शुरू होता है। तो चैप्टर शुरू होने से पहले आप लोग को एक काम करना है कि आप लोग कलम कॉपी साथ में रखिए और लिखते चलिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग को भी समझने में भी कोई दिक्कत ना हो और हमें समझाने में भी कोई दिक्कत ना हो। तो आप लोग ये काम करते चलिएगा और आप लोग हम आप लोग को अगला क्वेश्चन शुरू करते चलेंगे, ठीक है। तो आप लोग लिखते चलिएगा। तो आप लोग के पास यदि BTVC किताब होगा तो देखिएगा वहां पर लिखा होगा फर्स्ट क्वेश्चन 1.1 में, जो कि अब अपडेट किया है किताब। तो 1.1 वाला जितना भी क्वेश्चन है सभी को हटा दिया गया, 1.2 से हुआ है शुरू, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं 1.1 से कि हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए। HCF का मतलब होता है मासा, HCF का मतलब होता है मासा, जो कि आप लोग 3 क्लास में पढ़े होंगे मासा निकालने के लिए। तो यहाँ पे मासा वो लंबा वाला नहीं निकालना है, यूक्लिड विभाजन के विधि द्वारा ही निकालना है, ठीक है, यूक्लिड विभाजन द्वारा। तो चलिए आप लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 135 और 225 का बोल रहा है यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा हल करना है। क्या करना है? यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा हल करना है। आप लोग को एनर्जी डाउन नहीं होना चाहिए। चलिए तो आप लोग को सबसे पहले इसका सॉल्व करने का तरीका है चरण वाइज चरण, मतलब कि चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4, इस तरह से आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो आप लोग को एल्गोरिथम विधि द्वारा ही हल करिएगा। आप लोग को ध्यान में रखना है एल्गोरिथम विधि का तो फॉर्मूला होता है या रूल होता है a = bq + r, ठीक है जी। चलिए तो ये वाला हम ध्यान रखते हैं। सबसे पहले आप लोग को चरण 1 में सॉल्व करना है। आप लोग को लिखना है 135, जिस तरह से हम लिख रहे हैं उसी तरह से आप लोग को लिखते चलना है। 135 और 225 का मासा निकालना है, 225 का मासा निकालना है। तो आप लोग लिखिएगा, एक बार में बनाइएगा तो 135 आएगा, कितना आएगा तो 135 आएगा। अब दोनों को घटाना है तो 5 में से 5 गया तो 0 बचेगा। अब देखिए 2 में से 3 जाएगा तो बोलिएगा आप लोग नहीं, तो आप एक इसका इसको देंगे 1 लेकर तो हो जाएगा ये 12, क्या हो जाएगा तो 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप लोग बोलिएगा 9 बचेगा। क्या बचेगा जी? तो 9 बचेगा। और 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, तो कुछ नहीं बचेगा, तो कट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे चरण वन में लिखिएगा आप लोग 225 बराबर 135 गुने 1 + 90, ठीक है। यहां तक कोई किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब देखते हैं हम लोग, अब आगे चलते हैं। ये चरण 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है, आगे चलते हम चरण 2 में। अब देखिए तो हमारे पास बचा 90 भागा 135, ठीक है। अब लगाएंगे एक बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 90, और घटाएंगे तो बन जाएगा ये 45। तो आप लोग लिखिएगा चरण 2 में, ठीक है जी, चरण 2 में लिखिएगा तो आप लोग को 135 बराबर लिख सकते हैं आप लोग को 90 गुने 1 + 45, ठीक है जी, 1 + 45। आगे चलते हैं हम लोग चरण 3 में, आप लोग को यहाँ पे दिख जाएगा, आगे लिखेंगे 45 भागा 90 का HCF निकालना है। तो 2 बार में लगाएंगे तो 90 खत्म हो जाएगा, यानी कि 90 में से 90 जाएगा तो हो जाएगा आप लोग को कट कूट। तो आप लोग लिखिएगा यहाँ पे चरण 3 बराबर लिखिएगा तो 100 यहाँ पे लिखिएगा 90 बराबर 45 गुने 2 + 0। ये था आप लोग को एल्गोरिथम विधि द्वारा हल करना। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं मजाक में उड़ा दीजिएगा। ये था आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग को है 138 और 38220। आप लोग का सेकेंड क्वेश्चन बनाना है, आप लोग को जी सेकेंड क्वेश्चन बनाना है कि देखिए यहां पे आपका क्वेश्चन है कि 196 पहला क्वेश्चन है 196 सॉरी दूसरा क्वेश्चन 196 और
196 और 38,220 ठीक है जी। चलिए ये कितना चरण में सॉल्व होगा आप लोग आगे करके चलते चलिएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे चरण वन, चरण वन लिखेंगे, थोड़ा सा हम ऊपर लिख देते ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चन को आप लोग को दिख रहा होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 196 और 3820 यही सारा शायद क्वेश्चन, हाँ 38,220। चलिए जी अब देखते हैं हम लोग सबसे पहले वन को, चरण वन को हम लोग सॉल्व करेंगे 196 38,220। बताइए कितना बार में लगेगा, तो आप लोग बताइएगा 196 गुने 2 यदि करिएगा तो 6 दुना 12 के 2 बाकी 1 होगा और 9 दुना 18 के 19 के 9 बाकी 1, यानी कि एक बार में लगेगा। यहाँ पे 2 × 1 = 3 हो जाएगा 392, एक बार में यदि लगाइएगा आप लोग को तो बन जाएगा 196। अब घटाइएगा तो ये बचे 2 में से 6 नहीं जाएगा, 2 में से 6 नहीं जाता आप लोग को पता होगा, तो इसको हम यहाँ पे एक पैचा देंगे तो ये बन जाएगा 12, 12 में से 6 गए तो बचेगा आप लोग को 6 और ये बन गया 7, अब इसको हम एक पैचा दे देंगे तो ये बन जाएगा आप लोग को 17 ठीक है। तो 9 × 8 = 17 होता है, 8 बचेगा और ये बचेगा 186। अब बात आता है हमें ये वाला 2 उतार सकते हैं यहाँ पे ठीक है जी। अब लगाइए कितना बार में, तो आप लोग बोलिएगा जी कि लगाएंगे 9 बार में लगाइए 196 नमा, तो 9 × 54 = 4 बाकी 5, 9 × 81 और 5 × 86 = 6 बाकी 8 उसके बाद हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 × 8 = 17 ठीक है जी। तो 9 बार में लगाइएगा, यदि आप लोग 9 बार में लगाइएगा तो कितना बन जाएगा ये 1764 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 में से 4 नहीं जाता है तो एक पैचा दे देंगे तो ये बन जाएगा 12 ठीक है। तो 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा आप लोग को 8 और ये बन गया कितना 6, ये बन गया 5, तो इसको हम पैचा दे देंगे तो हो जाएगा 15, घटाएंगे तो बचेगा 9 ठीक है जी। अब बच गया ये 17 में से 17 खत्म हो जाएगा। तो अब देखिए और यहाँ पे 0 बचा है तो 0 लिखिए। अब बताइए कितना बार में लगाइएगा, तो आप लोग बोलिएगा 196 5 बार में देखते हैं हम लोग, तो 6 × 5 = 30 = 0 बाकी 3, 45 × 3 = 48 बाकी कितना होता है तो 4 होता है ठीक है, बाकी 4 उसके बाद 1, 5, 4 और 1 का एक बार एक पहाड़ा को हम 5 बार पढ़ेंगे तो 5 होगा और यदि 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 980। तो देखिए यहाँ पे बन जाएगा 5 बार में लगाएंगे तो आप लोग को हो जाएगा 980। तो देखिए ये वाला जो हम मासा नहीं निकाल सकते तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं चरण वन में ही, चरण वन में कि 38,220 बराबर होगा 196 × 195 + 0। ये था आप लोग को सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर, सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी आप लोग को सॉल्व हो चुका है ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे ठीक है जी। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप लोग को है 867 और 225 का SCF निकालिएगा। आप लोग को तीसरा नंबर क्वेश्चन का होमवर्क है, आप लोग HW लिख लीजिएगा, तीसरा नंबर HW है ठीक है जी। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं क्योंकि आप लोग को यदि 2 क्वेश्चन समझा दिए तो आप लोग को समझ गए होंगे और किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। तो 867 और 225 का यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा हल करना है ठीक है जी, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा हल करना है। तो बताइए आप लोग को एक नंबर क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, तो आप लोग नहीं किन्हीं को भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर दो बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 का रूप होता है जहां कोई पूर्णांक है। तो चलिए हम क्वेश्चन लिखते हैं फुल एनर्जी के साथ, जब तक आप लोग साफ ये वाला बोर्ड हम साफ करते हैं। चलिए तो हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर दो आप लोग को बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां कोई पूर्णांक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अब
यदि अपडेटेड बीटीबीसी किताब खरीदे होंगे तो उसमें ये सभी क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए नहीं मिल रहा होगा। लेकिन आप लोग को देखिए यहाँ पे सिखाया जा रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें व्यूवर से मतलब नहीं, आप लोग को सिर्फ कुछ ना कुछ आना चाहिए, ठीक है। क्या पता इस बार बहुत ज्यादा बिहार बोर्ड बहुत ज्यादा गलत किया था मैथ में, ठीक है, जो कि आप लोग को यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री से अच्छा खासा क्वेश्चन रहना चाहिए, लेकिन इस बार बहुत कम था। तो इसीलिए आप लोग को क्या कर सकता है बिहार बोर्ड, इससे हमें कोई मतलब नहीं, बशर्ते आप लोग को जो भी सिलेबस है आप लोग को पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, क्या करना है जी, तो क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए, हम लोग बहुत सारे बच्चे को धनात्मक पता नहीं होता है, ठीक है जी, कि धनात्मक किसे बोलते हैं, तो धनात्मक होता है प्लस में, क्या होता है जी, प्लस में होता है धनात्मक, ध्यान में रखिएगा, प्लस होता है धनात्मक और माइनस होता है ऋणात्मक। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो जी आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो धनात्मक मतलब होता है कि प्लस में रहना चाहिए, ठीक है, प्लस में रहना चाहिए हर हाल में। उसके बाद आता है विषम। अब बताइए सम संख्या और विषम संख्या नहीं जानते होंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे, बहुत सारे भाई भी हमारे होंगे जो कि नहीं जान रहे होंगे, और बहुत सारे बहन भी होंगे जो कि नहीं जान रहे होंगे। तो विषम संख्या बोलते हैं कि वैसी संख्या जो दो से विभाजित नहीं हो, वैसी संख्या जो दो से विभाजित नहीं हो उसे हम लोग बोलते हैं विषम संख्या। जैसे जी, जैसे बताइए तीन क्या है, विषम संख्या है, तो आप लोग बोलिएगा नहीं है, क्या है या ये वाला जो तीन है दो का पहाड़ा माता है या दो से भाग दीजिए कटेगा, तो आप लोग बोलिएगा जी नहीं कटता है, ठीक है। तो दो भी तीन नहीं है, एक नहीं है, उसके बाद क्या चार है, बताइए आप लोग चार सम संख्या या विषम संख्या, तो आप लोग बोलिएगा भैया ये चार जो है सम संख्या है, क्या है जी, तो चार जो है सम संख्या है, तो चार हम बोल रहे हैं विषम संख्या, तो आप लोग ध्यान में लिखते चलिएगा नोट करके, जिनको पता नहीं है सम संख्या या विषम संख्या तो लिखते चलिएगा, वैसी संख्या जो दो से विभाजित नहीं हो उसे हम लोग बोलते हैं विषम संख्या, ठीक है, आप लोग लिख लिए होंगे। मतलब कि सीधे कहना है कि जिसका आधा नहीं हो वो होता है सम संख्या, सॉरी, जो जिसका आधा नहीं होता उसे हम लोग बोलते हैं विषम संख्या, और जिसका आधा होता है उसे हम लोग बोलते हैं सम संख्या, ठीक है जी। जैसे 18 का क्या होता है बताइए आप लोग, 18 क्या होता है, सम संख्या या विषम संख्या, तो बोलिएगा कि हाँ भैया ये तो 18 होता है क्या, तो 18 का आधा 9 होता है, यानी कि ये हो गया विषम सम संख्या, सॉरी सम संख्या। उसके बाद बताइए आप लोग 9 सम संख्या या विषम संख्या, बताइए आप लोग, तो आप लोग बोलिएगा भैया ये 9 जो है 9 का आधा 4.5 होता है, लेकिन पॉइंट का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है जी, तो आप लोग बोलिएगा 9 जो होता है विषम संख्या और 18 जो होता है सम संख्या होता है। अब बताइए सम संख्या या विषम संख्या समझने में किसी को भी कोई दिक्कत है तो बोलिए, तो बोलिएगा आप लोगों को किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा जी। चलिए जी आगे चलते हैं, अब पूर्णांक के बाद समझते हैं हम लोग, पूर्णांक संख्या किसे बोलते हैं, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या जैसे कि यहां से इधर जाता है तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, उसके बाद इधर आता है तो माइनस होता है -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, ये सभी हो जाता है, सभी को हम लोग नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं, तो वो होता है पूर्णांक संख्या। चलिए अब किसी को भी कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, क्वेश्चन समझने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ये क्वेश्चन समझते समझते आप लोग को पता नहीं चलेगा, लेकिन आप लोग दो क्वेश्चन डील कर लीजिएगा। इसी तरह का क्वेश्चन है 4 नंबर और 5 नंबर, ये क्वेश्चन को बारीकी से समझ जाइए, उसके बाद आप लोग खुद से ही 4 नंबर 5 नंबर बना लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही बारीकी से ये क्वेश्चन को समझाएंगे। अब चलते हैं हम लोग बात और आगे चलते हैं, अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ये वाला यूक्लिड विभाजन का प्रमेय है, ठीक है, यूक्लिड विभाजन का प्रमेय है, तो ए बराबर जो होता है बी क्यू, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है जी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जिसे हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ठीक है जी। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा जी। अब जैसे देखिए बहुत सारे लोग को भाज भाजक भागफल शेषफल पता नहीं रहता है, लेकिन आप लोग को घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप लोग हमारा भाई है, हमारा बहन है, तो आप लोग को बड़ा भाई होने के नाते आप लोग को किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे कि हमारा पास रहा 2 भागा 16, ठीक है, मान लेते हैं 15, उसके बाद कितना बार में लगेगा तो लगवाइएगा आप लोग 7 बार में, तो ये हो जाएगा 14, बचेगा 1, तो इसे हम लोग बोलते हैं
इसे बोलते हैं हम लोग भाज। क्या बोलते हैं जी? भाज बोलते हैं। और इसको हम बोलते हैं भाज, इसको बोलते हैं हम लोग भाजक। इसको क्या बोलते हैं जी? तो भाजक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तो भागफल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। और ये वाला फार्मूला के बात करें तो इसको ए बोलते हैं, इसे बी बोलते हैं, इसे क्यू बोलते हैं और इसे आर बोलते हैं जी। ठीक है जी, अब समझ में आया या नहीं समझ में आया बताइए आप लोग। समझ में आ गया होगा। चलिए जी आगे देखते हैं। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि भाजक, भाजक, भाज, भाज, भागफल, भागफल, सॉरी भागफल और शेषफल। अब बताइए जी, किसी को भी कोई दिक्कत है तो बोलिए। शेषफल, चलिए किसी को भी कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। किन्हीं को भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा क्योंकि बहुत आराम से पढ़ाया जा रहा है। अब बात करते हैं हम लोग a बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए जैसे कि यहाँ पे a बराबर बी क्यू, देखिए यहाँ पे क्यू है, क्यू है, क्यू है यहाँ पे कि नहीं है? क्यू है, क्यू है, क्यू है। तो आप लोग थोड़ा सा भी दिमाग लगाइएगा तो कि हाँ जी हाँ। अब बोलिएगा कि बी बराबर हम छ रखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाइएगा कि नहीं? तो आप लोग बोलिएगा जी दिमाग तो लगा सकते हैं कि छ, बी बराबर हम छ रख सकते हैं, रख सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे देखिए ऐसा ही है, बी क्यू प्लस आर, छ क्यू प्लस आर यानी कि वन है, छ क्यू प्लस थ्री, छ क्यू प्लस फाइव है कि नहीं? तो आप लोग बोलिएगा जी जी अब समझ में थोड़ा बहुत आ रहा है। बहुत सारे चैनल पे पढ़े, ऑफलाइन पढ़े, ऑनलाइन पढ़े, लेकिन आज हम कुछ अलग सीख रहे हैं। ठीक है, तो हाँ आप लोग डेली अलग सीख कर ही जाइएगा। सिर्फ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करते रहिएगा और अंतिम जाते जाते आप लोग वीडियो को वीडियो में जाकर जरूर कमेंट कीजिएगा कि क्या आप लोग को समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। इतना जो था कि आप लोग को बेसिक नॉलेज देना ये क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट था। तो चलिए आप लोग बोलिएगा कि माना कि, माना कि, माना कि कोई कोई धनात्मक धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। ठीक है, ज्यादा नहीं लिखेंगे हम लोग, ए लिखेंगे। ठीक है, तो बी बराबर हम लोग छह रख सकते हैं, बी बराबर छह रख सकते। ठीक है, तो अब लिखेंगे कि यूक्लिड विभाग, यूक्लिड परिमेय से, यूक्लिड परिमेय से, परिमेय से क्या होता है? तो आप लोग बोलिएगा फॉर्मूला यहां पे है, ए बराबर जी बी क्यू, बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है जी, ये बात आप लोग को पता होगा। तो अब बात आता है कि a बराबर यदि बी क्यू रहा, a बराबर बी क्यू प्लस आर रहा, उसके बाद ये नियम जो कहता है कि जो जीरो से बड़ा रहना चाहिए, जीरो से बड़ा रहना चाहिए और बराबर रहना चाहिए r। ठीक है जी, उसके बाद r बड़ा रहना चाहिए जीरो से, r बड़ा रहना चाहिए जीरो से। ठीक है जी, चलिए ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो देखिए a बराबर हमें कुछ नहीं है तो हम a बराबर लिख सकते हैं। अब देखिए बी क्यू, तो हम b के बराबर क्या माने बताइए आप लोग? तो b बराबर आप लोग बोलिएगा छह माने सर जी, भैया छह बराबर छह माने, तो q बराबर r, q बराबर r। तो देखिए r जो है कि हम r यानी कि विषम संख्या जीरो से लेके छह तक कुछ भी हो सकता है, जीरो से छह तक लेकर कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, सबसे पहले हम लोग समीकरण यहाँ जाने दीजिए। R बराबर हम लोग लिख सकते हैं जी जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ठीक है जी, यहां तक कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं A बराबर छ क्यू प्लस आर, छ क्यू प्लस आर, समीकरण वन कर सकते हैं हम इसको, समीकरण वन कर सकते हैं। तो अब लिखना है जी, बात करते हैं हम लोग कि समीकरण, समीकरण, समीकरण एक में, समीकरण क्या में? तो एक में r का मान रखने पे, समीकरण r के मान, r का मान, सॉरी r का मान, r का मान, r का मान जीरो रखने पर, जीरो रखने पर। ठीक है जी, जीरो रखने पर, तो देखिए हम a बराबर लिखेंगे, a बराबर छ क्यू, छ क्यू प्लस में r है, तो r बराबर हम क्या रखें? तो जीरो रखें। तो बताइए अब a बराबर छ क्यू, ए बराबर छ क्यू, बताइए आप लोग यहाँ पे कुछ भी रखिएगा तो हो जाएगा सम संख्या। तो यहाँ पे देखिए ये सम संख्या हो गया। ठीक है जी, यदि जीरो रखिएगा तो सम संख्या बनेगा, क्या बनेगा? तो सम संख्या। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है विषम संख्या, क्या बोल रहा है जी? तो विषम संख्या, तो
यहाँ पे देखिए छह, ये वाला जो है ये वाला तो सम संख्या आ गया, लेकिन यहाँ पे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि सम संख्या या विषम संख्या, जैसे यहाँ पे देखिए सम संख्या है तो सम संख्या को बनाएंगे, विषम संख्या रहता तो विषम संख्या बनाते, सम संख्या यहाँ पे विषम संख्या है तो विषम संख्या का ही नाम बनाएंगे। तो आप लोग बोलिएगा जी ये तो हमें पता है, तो आप लोग को इतना पता होगा क्योंकि आप लोग हमसे बहुत छोटे हैं, तो छोटे होने के नाते ये तो आप लोग को पता होगा। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं हम लोग। आगे हमारा क्वेश्चन है जी कि अब धरते हैं कि समीकरण एक में, इसी तरह से आप लोग लिखते चलिएगा हमें, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम यहाँ पे अब एक रखते हैं, तो लिखेंगे हम लोग समीकरण एक में आर का मान एक रखने पर, तो बताइए आप लोग, तो बोलिएगा ए बराबर छ क्यू प्लस वन होगा कि नहीं, तो छ क्यू प्लस वन होगा या नहीं, तो बोलिएगा जी जी होगा, ये देखिए विषम संख्या है या नहीं, तो बोलिएगा जी है। अब धरते हम लोग दो रखेंगे, तो ए बराबर हो जाएगा छ क्यू प्लस दो, तो छ क्यू प्लस दो क्या है, सम संख्या या विषम संख्या, तो बोलिएगा भैया ये दो दो जो है ये तो सम संख्या है, तो ये बात हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ये जो सम संख्या यदि क्वेश्चन में रहता तो सम संख्या लिख ही देते। ठीक है जी, चलिए जी आगे चलते हैं हम लोग। छ क्यू प्लस, अब धरते हम लोग थ्री का मान, तो छ क्यू प्लस थ्री बनेगा कि नहीं बनेगा, तो बोलिएगा जी बन जाएगा। अब फोर रखेंगे तो क्या बनेगा विषम संख्या, तो बोलिएगा नहीं बनेगा विषम संख्या, क्योंकि वो बन जाएगा सम संख्या। आगे चलते हैं, छ क्यू प्लस फाइव रखेंगे तो बोलिएगा जी, छ क्यू प्लस फाइव जो है भैया ये विषम संख्या है, तो विषम संख्या हो गया। बताइए ये क्वेश्चन में तनी आपका दिक्कत है तो बोलिएगा, कितना भी एग्जामिनर घुरा दे ये क्वेश्चन को आप लोग से, यदि कंफ्यूजन है तो बोलिए, तो बोलिएगा नहीं। आप बताइए यहाँ पे विषम संख्या कर देगा बनेगा कि नहीं बनेगा, तो आप लोग बोलेगा बन जाएगा। ये तो बहुत इजी है, बगुआ वाला क्वेश्चन था, सिर्फ समझ में बहुत। देखिए बहुत सारे गार्जियन कहते हैं कि हमारा घर में बच्चा पढ़ता नहीं है, बशर्ते आप लोगों को, हो सकता है उन टीचर का भी गलती होता है, यदि हो सकता है समझाने का उनका तरीका अलग हो, तो बच्चा को समझ में नहीं आ रहा होगा इसलिए घर में नहीं पढ़ता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, दोनों दोष बच्चे को नहीं होता है। ठीक है, कुछ दोष टीचर का भी होता है और कुछ दोष बच्चे को भी होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बशर्ते आप लोग को टीचर अच्छा रहना चाहिए, जो कि टीचर से आप लोग खुल के बात कर सकते हैं वैसा टीचर रहना चाहिए। ठीक है, और आप लोग को प्रेम से समझाए, ताकि आप लोग को जहां भी समझ में नहीं आप लोग जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा जी। आप लोग ये नोट करते रहिए, और आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो अभी भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करना है, जब तक आप लोग को ये समझ में नहीं आ जाए ये वीडियो के बारे में तो आप लोग लाइक नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए जी आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग तीन सॉल्व करते हैं। चलिए जी आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। क्या करना है? मार्च करना है। ठीक है, दोनों समूह की समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते। देखिए इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन देखकर आप लोग को माथा घूर जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में ज्ञान कुछ भी नहीं है। यदि आप लोग 3-4 में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि निकालने के लिए जाने होंगे तो बहुत अच्छा है, और नहीं जाने होंगे तो बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए तो हम बताते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। चलिए जी सबसे पहले हम लोग 616 को निकालते हैं। ठीक है जी, 616 को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है, तो दो बार में लगाएंगे, कितना लगेगा तो आप लोग बोलिएगा जी कि ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 308। ठीक है जी, बताइए कोई दिक्कत है? 308 जिनको पता नहीं है तो आप लोग इस तरह से भी निकाल सकते हैं, 2 भागा 616 द्वितीयाई 6 खत्म हो जाएगा, 2 अंक उतरता है तो आप लोग को 10 लगाना है, 0 लगाइएगा, 16 उतरेगा, 3 चौक 2 चौक 8 16 ये हो जाएगा, देखिए आप लोग को 308 हो गया। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए दो बार में लगाएंगे तो 30 के आधा कितना होता है, तो 30 के आधा होता है 15 गुरु जी, कितना होता है 15 होता है, कितना होता है, कितना होता है बउआ, तो बोलते हैं आप लोग कि होगा 15। तो 8 के आधा कितना होता है मुन्ना, तो बोलिएगा आप लोग होता है 4, क्या होगा जी, तो बोलिएगा 4 जी। ठीक है जी, अब बताइए 154 का आधा कितना होता है, तो बोलिएगा ये तो बहुत बड़ा है भैया तो कैसे होगा, तो आप लोग बोलिएगा कि 100 के आधा कितना होता है, तो बोलिएगा 100 के आधा होता है जी कि होता है 50, 100 के आधा कितना होता है, तो बोलेगा आप लोग 50 होता है, और 57 के आधा कितना होता है,
तो बोलेगा होता है 27 होता है, 57 गुना 54 होता है, तो 50 और 27 जोड़ दीजिए, आपको जो भी होगा वही आधा होगा। तो बोलेगा दो बार में लगाएंगे तो हो जाएगा 50 और 27 होता है 77, ठीक है जी 77। अब विश्वास आप लोगों को तो नहीं है हमके हमारा ऊपर, तो 77 गुनाई करना है, 77 गुना 7 गुना 14 के 4 बाकी 1 7 गुना 14 1 15। तो बोलिएगा हाँ ये तो बात सही हो गया, ठीक है। चलिए जी आगे लगाते हैं, 7 बार में लगाएंगे 11। देखिए बहुत सारे गड़बड़ा देते हैं यहाँ पे, अंतिम में क्या करते हैं जी, थोड़ा सा हो जाता है क्योंकि ऑफलाइन वाला आप लोग को फीलिंग दिलाना है, आप लोग को ये विश्वास नहीं हो रहा होगा कि आप लोग को 25 मिनट का वीडियो देख लिए होंगे, ठीक है। और आप लोग देखिए वीडियो पुश करके 25 मिनट हो चुका है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 11 लगाइएगा, अंतिम बार में सोचिएगा कुछ नहीं है तो ये लिखे या ये लिखे, तो देखिए आप लोग गलती नहीं कीजिएगा, सबसे पहले छोटा लिखाता उसके बाद आप लोग को बड़ा लिखाता है, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं, 32 को निकालते हैं हम लोग, तो 32 के तो बहुत आराम है, 32 को बहुत सारे बच्चे को पता होगा 2 पर पावर 5 घात होता है 32, तो लगाना है कि 2 बार में 16, 2 बार में 16, 2 बार में 8, 2 बार में 4, 2 बार में 2। बताइए यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत है जी, तो बोलेगा कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब लिख देना है सभी को, ठीक है, 616 लिखना है, 616 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 गुने 11। यदि जिनको पता होगा 616 को डायरेक्ट, तो ये वाला लिख सकते हैं, सिर्फ ये वाला नहीं करना, ये वाला टाइम बच सकता है, लेकिन हमें तो टाइम बचाना नहीं है क्योंकि आपको टाइम बचाना है, हमें तो आप लोग को सिखाना है, ताकि क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारे लो बच्चे भी होंगे, बहुत सारे हाई बच्चे भी होंगे, ठीक है, लेकिन हमें लो को लेकर चलेंगे ताकि लो बच्चा भी हाई हो जाए, ठीक है। चलिए 32 पर चलते हैं हम लोग, 32 का तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 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
दो, ये दो, चलिए अब नहीं मिलेगा। तो दो दुनी चार, दुनी आठ, आपका आंसर हो जाएगा जी आठ स्तंभ। आठ स्तंभ, आठ स्तंभों में कितने स्तंभों में बांटा जाएगा जी? आठ स्तंभों में बांटा जाएगा। बताइए यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। तो बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि ये आंसर नहीं है आठ स्तंभों, तो आप लोग देखिए जाकर, आंसर नहीं है तो होगा आंसर, होना चाहिए आठ स्तंभ ही, आप लोग को आंसर होगा। हमारा बुक में आठ आंसर नहीं है, हमारा बहुत पुराना किताब है उसमें था 12 आंसर, ठीक है। यदि आप वाला बुक में भी 12 होगा तो आप लोग को 8 आंसर करना होगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग 8 आंसर करके वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, देखिएगा उसके बाद आप लोग 1.2 देखिएगा। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा फुल एनर्जी के साथ, और यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए आप लोग को सबसे पहले कलम कॉपी साथ में लेकर लिखते जाना है और हम आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो आप लोग के पास यदि बुक होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप लोग लिखना चाहते तो आप लोग लिखते चलिएगा। आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है कि 140 जी क्या है जी? तो 140 आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, 140। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन 156। थर्ड क्वेश्चन नंबर 38-25 और चौथा नंबर क्वेश्चन है 505। उसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन है 7429। चलिए जी, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। चलिए तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन बनाना है शुरू से, तो आपको लिखना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है, तो आप लोग को लिखना है कि 140 तो दो बार में लगाएंगे तो 14 का आधा कितना होता है? 14 का आधा कितना होता है? तो बोलिएगा आप लोग 14 का आधा होता है 7 जी। क्या होता है जी? तो 7 होता है। शून्य के आधा क्या होता है? तो शून्य के आधा शून्य होता है, तो शून्य होगा तो आ जाएगा ये 70, ठीक है। 70 दुना होता है 140। फिर दो बार में लगाएंगे तो दो बार में लगेगा कितना लगेगा? तो 35 लगेगा जी। कितना लगेगा? 35 लगेगा। अब बताइए 35 क्या दो बार में कटता है? क्या दो बार में विभाजित होगा 35? तो आप लोग बोलिएगा जी नहीं होगा। कितना बार में होगा? तो 5 बार में होगा। कितना बार में होगा? तो 5 बार में होगा, ठीक है जी। तो 5 बार में लगाइएगा
यदि 5 बार में लगाइएगा तो ये 7 बन जाएगा, ठीक है। अब बताइए क्या अब और लगेगा, तो बोलेगा अब नहीं लगेगा। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं कि 2² × 5 × 7, ये था आप लोग को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 156, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन, 2 बार में लगाएंगे तो बताइए आप लोग 56 पर सबसे पहले 100 का आधा कितना होता है, तो आप लोग बोलिएगा 100 का आधा होता है 50, कितना होता है तो 50 होता है, और 56 का आधा कितना होता है तो बोलिएगा आप लोग 28 होता है। 56 का आधा कितना होता है तो होता है 28। अब बताइए आप लोग 50 और 28 जोड़िए तो होगा आपको 78, अब 78 इसका आधा होगा, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं हम लोग, बताइए आप लोग अब कितना बार में लगेगा, तो बोलिएगा आप लोग 2 बार में लगेगा, कितना बार में लगेगा 2 बार में लगेगा, तो 2 × 6 = 39 + 78 होता है, कितना होता है तो 39 × 78 होता। अब बोलिएगा 2 बार में नहीं लगेगा जी, 3 बार में लगाइएगा तो हो जाएगा 13 × 39, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 × 3 × 13, ठीक है, 2 पर पावर 2 × 3 × 13। ये था आप लोगों को दूसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 38 25 को लगाना है, कितना बार में लगेगा, 2 बार में तो ये नहीं लगेगा क्योंकि 2 का पहाड़ा में 5 नहीं लगता है। अब ये लगेगा 3 बार में या 5 बार में या 7 बार में, ठीक है। तो चलिए अब लगाते हैं हम लोग सबसे पहले 3 बार में, तो 3 × 3 खत्म हो जाएगा, उसके बाद 8 बचेगा, तो ये ले लेगा 2, तो ये बचेगा 22, यानी कि 1 होगा 15, 3 बार में लग जाएगा, ठीक है। और सोच रहे होंगे आप लोग कि ये आप लोग कैसे कर सकते हैं कि 3 बार में लग जाएगा, यदि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तो आप लोग को भी अनुमान लग जाएगा कि कितना बार में ये कटेगा, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं कि 3 बार में यदि लगाएंगे तो 3 बार में भागा लगेगा, तो 1 बार में लगेगा ये खत्म हो जाएगा, 8 उतरेगा, 3 × 2 = 6 होगा, बचेगा कितना 2, और यहाँ पे हो जाएगा 22, 3 × 7 = 21, बचेगा 1, और ये बच जाएगा 3 × 5 = 15। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, तनिक सुख भी आप लोग को दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अब चलिए आगे लगाते हैं, 3 बार में खूब आराम से लग जाएगा, तो 3 × 12 हो जाता है, खत्म हो जाता है, 3 × 12 से खत्म हो जाएगा 12, उसके बाद 3 × 2 = 6 होगा, उसके बाद 5 होगा, ठीक है जी। चलिए जी आगे चलते हैं हम लोग, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3 बार में लगाते हैं, 3 बार में लगाएंगे यदि तो 1 बार में लगेगा तो बच जाएगा यहाँ पे 3 × 12, सॉरी 3 बार में नहीं लगेगा, ठीक है। 3 बार में यदि लगाते हैं तो यहाँ पे 1 दे देगा, 3 × 12, 3 का पहाड़ा में 5 नहीं आता है, तो 3 बार में नहीं लगेगा। आगे चलते हैं हम लोग लगाते हैं 5 बार में, तो 5 बार में यदि लगाएंगे हम लोग तो बन जाएगा ये 40, 8 बार में लगेगा बचेगा 2, और ये 25 यानी कि 85 हो जाएगा, ठीक है जी। अब बात करते हैं 5 बार में लगाएंगे तो यदि आपका 17 × 5 = 85 होता है, ठीक है, 17 × 5 = 85 अब नहीं लगेगा, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं 3² × 5² 3² × 5² × 17, ये था आपका अभाज्य गुणनखंड। अब बताइए आप लोग ये सभी बना सकते हैं कि नहीं, एक क्वेश्चन और बनाते हैं हम लोग, चौथा नंबर क्वेश्चन और 5वां नंबर क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क रहेगा, 5वां नंबर क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा खुद से। चलिए जी तो 505 का अब करते हैं हम लोग सॉल्व, सॉरी 5005 का, तो आप बताइए कितना बार में लगेगा, तो आप लोग लगाइएगा 5 बार में, ठीक है। 5 बार में यदि लगाइएगा तो 1 होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, बहुत इजी है ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क है, तो आप लोग 2 क्वेश्चन कर लीजिएगा, यदि आप लोग से नहीं हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि देखिए आप हमारे छोटे भाई हैं या बहन हैं, तो हमें बड़ा भाई होने के नाते आप लोग को थोड़ा सा भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा फुल एनर्जी के साथ, क्योंकि हमें 2025 में अच्छा खासा नंबर लाना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर अब चलते हैं, जब तक आप लोग ये वाला नोट कर लीजिए और ये वाला आप लोग बनाकर, ये दोनों आप लोग को होमवर्क है, ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। चलिए जी तो हम लोग का 2 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो तथा इसकी जांच कीजिए 2 संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये जो है ना फार्मूला, ठीक है, ये जो है आप लोगों को फार्मूला, इससे भी क्वेश्चन बनता है, 2 संख्या का गुणनफल बराबर लासा गुने मासा, ठीक है जी, तनिष्क भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तो आप लोगों को सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप लोगों को बुक में 3 क्वेश्चन है, तो आप लोगों को पता होगा कि भैया जो हमारे 2 ही क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और 1 क्वेश्चन आप लोग को खुद से ही करना है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, तो 26
तो 26 का निकालना है तो दो बार में 13 निकालेंगे, कितना लगेगा, 2 × 13, ठीक है जी, 26 बराबर, यहाँ पे लिखते हैं तो 26 बराबर 2 × 13, और 91 बात करते हैं तो हम लोग करते हैं 7 × 13, ठीक है। तो 13 जो 13 है ये वाला आपका बन गया मासा, मासा आपका हो गया कितना जी, तो 13 हो गया, ठीक है, और मासा हो गया 13। और लासा का बात करें, मासा मतलब कि महत्तम समावर्तक और लासा मतलब होता है लघुतम समावर्तक। मासा का इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं HCF और लासा को हम इंग्लिश में बोलते हैं LCM, जैसे बोलते हम लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक है जी। चलिए बात करते हैं LCM कितना आया जी, तो लासा में जो होता है कि सभी को गुना कर देना है, ठीक है, जितना भी है आप लोग को गुना कर देना है। तो आप लोग बोलिएगा कि 13 × 91 और 91 × 2 कितना होता है, तो 91 × 2 होता है 1 × 2 और 9 × 18 यानी कि 182, 182, 1 × 2, 9 × 18 जी, ठीक है जी। अब बात करते हैं, ये तो हम यहां तक की हैं, जांच कीजिए। अब बोलता है जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल बराबर लासा गुने मासा है या नहीं है, ठीक है, प्रूव करना है, तो आप लोग को 2 नंबर मिलेगा। तो चलिए हमें लासा और मासा है यानी कि दो संख्या का बराबर करना है, दो संख्या, ये दोनों संख्या है, ठीक है जी। तो 26 × 91 यदि करते हैं हम लोग, 26 × 91 तो 26 × 26 और 26 × 2 = 3, 4, 2 × 3 = 4, ठीक है जी, 2 × 3 = 4। अब 6 होता है 8 होता है 23 होता है, ठीक है जी, 6 होता है और 23 होता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग 18 × 23 करके 182 × 13 करके, तो 3 × 6 = 24 के 4 बाकी 2 और 24 एक को 3 बार पढ़ना है और 5 जोड़ना है तो हो जाएगा आप लोग को 5। अब करना है 2 + 8 = 1, ठीक है, जोड़िए 6 × 6 = 8, 5 = 13, 3 + 1 और 1 × 1 = 2, 1 × 1 = 2, 23 = 66 जी आपका सही है, क्या है, तो आप लोग को सही है। तो यहाँ पे आप लोग को सिर्फ लिखना है जी, कुछ नहीं करना है, कि ये वाला बात दो संख्या का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF करना है, यानी कि ये दोनों गुना करें तब पर भी आना चाहिए उतना ही जितना हम ये दोनों को गुना करें। यदि आप लोग को आया है तब तो सही बना हुआ है, नहीं तो आप लोग को गलत बना हुआ है। तो हमारा आ गया है, यदि 13 × 182 कीजिएगा तो 2366 आएगा और 26 × 91 करिएगा तब पर भी आप लोग का आएगा 2366। तो बताइए आप लोग को किसी को भी कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, किन्हीं को भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा जी। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 510 और 192, सॉरी यहाँ पे और होगा, ठीक है, और होगा, चलिए 510 और 192। तो 510 को हम लोग सबसे पहले यदि निकालते हैं, 510 को तो दो बार में लगाएंगे, ये हो जाएगा कितना, तो 2 × 4 होता है, ठीक है, 2 × 4 बचेगा 1, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा, चलिए 510 को देखिए दो बार में लगाएंगे, यदि 2 × 4 होगा 1 होगा, 1 × 5 = 10, 1 यानी 255, ठीक है जी, 255। चलिए जी आगे लगाते हैं, 5 बार में लगाएंगे तो यदि 5 × 5 = 25 होता है, 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़िएगा तो होता है 25, ठीक है जी, तो 25 का 5 होता है और बचा 1 तो यानी ये वाला हो जाएगा, ठीक है जी। अब बताइए कितना बार में लगेगा, तो आप लोग यदि पहाड़ा बहुत अच्छा से जानते होंगे तो होता है 93 या 97 यहाँ पे 51 है, ठीक है जी, 63, तो यहाँ पे 3 बार में लगाइएगा तो 17 लगेगा, 17 × 17 = 34, 37 = 51, ठीक है। यदि बिहार बोर्ड से पढ़े होंगे तो आप लोग को ये अच्छा खासा पहाड़ा, बचपन में बहुत ज्यादा मार खाते थे हम लोग भी और आप लोग भी खाए होंगे मार, क्योंकि पहाड़ा बहुत सबसे शुरू में बहुत कठिन माना जाता था, बहुत पिटाई होता था, ठीक है, ताकि अब आप लोग को पहाड़ा आता होगा, हमें उम्मीद है कि आप लोग को पहाड़ा आता होगा, ये बोलते हैं इंग्लिश में काउंटिंग। चलिए जी आगे चलते हैं, 92 पर बात करते हैं हम लोग। अब 92 पर यदि बात करेंगे हम लोग तो ये कितना बार में लगेगा, तो बताइए आप लोग, तो ये लगाइएगा दो बार में तो कितना लगेगा, तो आप लोग बोलिएगा 96 × 46
14 × 12 46 × 2 दो बार में लगाइएगा तो बन जाएगा ये 46, और दो बार में लगाइएगा तो ये बन जाएगा 23। ठीक है जी, अब नहीं लगेगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को बताइए क्या होगा, तो दोनों को यहाँ पे लिख देना है जी। तो 510 बराबर 2 × 5 × 3 × 17 और बात करते हैं हम लोग 92 पे, तो 92 पे यदि बात करेंगे तो आप लोग लिखेगा 2 × 2 × 23 23। ठीक है जी, तो बताइए आप लोग को मासा कितना होता है, तो मासा बोलिएगा 2 हुआ। कितना हुआ जी मासा, तो 2 हुआ मासा आप लोग को 2 हुआ। और लासा क्या हुआ अगर बताइए आप लोग, यानी लघुतम समावर्तक, तो लासा आप लोग गुना करिएगा तो 2 × 4 हो जाएगा, 4 × 5 = 20 हो जाएगा, 20 × 60 हो जाएगा। ठीक है, और 17 × 60 करना है, 17 × 5 = 85 × 7 = 2। ठीक है, तो 28 गुना करना, आप लोग गुना करके लिखिएगा तो आप लोग को आंसर आ जाएगा। ठीक है, करते हैं हम लोग 17 × 6 = 2 यानी 102 × 23 करना है। ठीक है, तो 2 × 6 = 0 उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 होगा, 2346 होगा लासा जी। क्या होगा लासा जी, तो 2346 ध्यान रखिएगा, 2346। अब दोनों में गुना करिएगा तो आप लोग को आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए करते हैं हम लोग गुना, क्योंकि हमें आधा पर छोड़ना नहीं है क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क है, आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग गुना करना है क्योंकि हमें जांच करना है, सत्यापन करना है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं 510 × 92 करते हैं, यदि हम लोग 500 × 92 करते हैं तो ये हो जाएगा 102, 51 × 2 कितना होता है, तो आप लोग बोलेगा 102। तो अब 2 अंकबालम करना है तो 9 हो जाएगा, 5 × 9 = 45 होता है। ठीक है जी, अब 2 होता है, 9 होता है, 5 × 1 = 6 होता है, और ये हो जाएगा कितना बताइए आप लोग, तो ये हो जाएगा 4 46 × 92। ठीक है, और यहाँ पे 2 और गुना करना है तो ये हो जाएगा 4692, मासा हो जाता है 4692। ठीक है जी, गुना करिएगा पूरा तो होगा आप लोग को 4692। चलिए जी आगे चलते हैं, हम लोग 4692 आप लोग को प्रूव हो चुका है। ठीक है, आप लोग को प्रूव हो चुका है, तो आप लोग 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है जी, चलिए आगे नंबर क्वेश्चन, हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, तो आप लोग ध्यान में रखते चलिएगा और आप लोग ये क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। चलिए तो बात करते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक का एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। एचसीएफ और एलसीएम निकालिए, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। चलिए, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आप लोग निकालिएगा, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी, चलिए अब आज करते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि। तो 12 दो बार में लगाएंगे, 6 दो बार में लगाएंगे, 3 ठीक है अब नहीं लगेगा। आगे करते हैं हम लोग 15 दो बार में नहीं लगेगा, 3 बार में लगाएंगे, 5 लगेगा, 5 बार में लगाएंगे, 1 लगेगा। ठीक है जी, चलिए जी आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। 21 को लगाते हैं तो 3 बार में लगाएंगे, 7 लगेगा। चलिए, तो एक क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे यहाँ पे सबसे पहले, तो 2 × 2 × 3 3 × 5 उसके बाद 3 × 7 लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मासा और लासा निकालना है, यानी महत्तम समावर्तक और लघुतम समावर्तक। ठीक है जी, चलिए जी आगे चलते हैं हम लोग मासा और लासा। तो देखिए मासा निकालना है, तो मासा यदि सब में जो मिले, ठीक है, जैसे 3 यहाँ पे सभी में तीनों में मिल रहा है, तो 3 आपका हो जाएगा मासा, और लासा क्या होगा लघुतम समावर्तक, तो गुना करिएगा 7 × 5 = 35 35 × 70 70 × 140 40 × 140 = 420 44 × 42 आपका आंसर हो जाएगा 420। ठीक है, ये आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हम लोग, 17 × 23 एक बार में लगाएंगे, 17 लगेगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ईजी है, एक बार में लगाएंगे 17, एक बार में लगाएंगे 23 और एक बार में लगाएंगे 29। ठीक है, तो इसका मासा क्या होगा बताइए आप लोग, ये काफी खतरनाक क्वेश्चन है, तो आप लोग बोलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो आपका आंसर होगा कि इसका मासा होगा 2 और गुना करिएगा तो एलसीएम आ जाएगा इसका 23 आपका आंसर होगा
हाँ एलसीएम इसका हो जाएगा एक, और गुना करिएगा तो आप मासा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मासा देखिए तो मासा आपका आंसर होगा मासा एक, और उसके बाद एलसीएम जो होगा 1139 होगा, क्या होगा जी 1139, लासा जो हो जाएगा 1139, ठीक है। चलिए अब आपका होमवर्क है ये तीसरा नंबर क्वेश्चन, आप लोग कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग देखिए देख ही लीजिए, कर लीजिएगा आप लोग ये होमवर्क आप लोग कर लीजिएगा, हमें उम्मीद है कि आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कोई अच्छा नंबर लाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग, हम भी मेहनत करेंगे और आप लोग भी मेहनत करिएगा, इससे आप लोग को ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर चार पर। क्वेश्चन नंबर चार काफी इजी है जी, कि एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम 306 667 क्या होगा बताइए आप लोग। तो देखिए आप लोग को ये क्वेश्चन काफी बारीकी से बनाना है आप लोग को। चलिए तो देखिए यहीं पे हम बता देते चार नंबर क्वेश्चन आपको, आपका क्वेश्चन है जी कि इतना यानी कि चार एचसीएफ जो है, एचसीएफ है 306 और 657, 657 बराबर 9 बराबर 9, और उसके बाद है कि एलसीएम, एलसीएम जो है, एलसीएम है 306 और 657। तो आप लोग को फार्मूला पता होगा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल, गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम गुने एचसीएफ। तो आप लोग को बोलिएगा 306 657, सॉरी यहाँ पे रुक जाए थोड़ा सा, 657 यहाँ पे 657 बराबर ये हो जाएगा 306 और 657, ठीक है जी। चलिए अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसको, तो हो जाएगा 306 657 बटा 306 657, लेकिन यहाँ पे दिया गया 657 बराबर 9 होता है, ठीक है। तो 306 और 657 यहाँ पे गुना कर देना है, उसके बाद ये 9 से भाग कर देना, क्योंकि इतना का बराबर 9 दिया गया, ठीक है। तो अब काट छाड़ कर करिएगा, जो भी आप लोग का आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। चलिए जी अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी होता है, तो आप लोग कलम कॉपी साथ में रखे होंगे और आप लोग थ्योरी लिखते चलिएगा। तो हम थ्योरी लिखाएंगे कि आपका थ्योरी है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले है कि थोड़ा सा आप लोग समझिए कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्याओं 6n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए 6 का कब कितना भी आप घात लगा दिए उसमें शून्य नहीं होगा, ठीक है, इसमें शून्य नहीं होगा। तो आप लोग थ्योरी अपना बुक से लिख लीजिएगा, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं कि जैसे 6 का कितना भी पावर करिएगा आप लोग को कभी ये शून्य नहीं दे सकता है, ठीक है, ये शून्य नहीं देगा। तो आप लोग ध्यान रखिए ये जो क्वेश्चन है गलत है, लेकिन आप लोग क्वेश्चन आएगा ये तो आप लोग थ्योरी के साथ लिखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि संख्या 7 × 13 × 11 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है, भाज्य संख्या क्यों है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब तक हम बोर्ड को साफ करते तब तक आप लोग ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये 4 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग करा चुके हैं और 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है। सर यहाँ पे देखिए आप लोग को 7 नंबर क्वेश्चन देख ही लीजिए एक बार में। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन जो है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, कितना सोनिया को लगते हैं, तो 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। उसके बाद जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है, ठीक है, कितना लगता है, तो 12 मिनट। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो दौड़ने वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत सारा घंटी वाला भी होता है कि 4, 6, 8, 10 मिनट में बजता, फिर एक साथ कितने बार कितने बजे एक साथ घंटियां बजेगी। तो आप लोग को सिर्फ इसका ऐसा क्वेश्चन को आप लोग को एलसीएम निकाल देना है, ठीक है जी। तो एलसीएम निकाल दीजिएगा 7 नंबर क्वेश्चन का, तो 12 और 18 का एलसीएम क्या होता है बताइए आप लोग, 12 18 का एलसीएम होता है आप लोग को 36। तो
तो आपका आंसर हो जाएगा 36। ठीक है जी, 36 मिनट। ठीक है, 36 मिनट। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन जो है 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए तो आपका अंतिम क्वेश्चन है कि बताएं कि 7 13 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × 1 + 5 क्यों विभाज्य है, क्यों विभाज्य संख्या है। ठीक है, तो चलिए हम हल करते हैं, लिखना है यहाँ पे हल। तो a बराबर लिखिएगा 7 × 13 × 13 + 13। b बराबर लिखना है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ठीक है, तो सबसे पहले a को हम हल करेंगे। तो a को अब हल करना है, तो सबसे पहले देखिए ऐसा जो होता है विभाज्य में नहीं होता है, क्योंकि देखिए सभी के सभी रहना चाहिए मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे प्लस में दे दिया तो ये गलत बात है। लेकिन हमें करना है ये हल, मतलब कि ये जो गलत लिखा है उसको हम सही करना है हम लोग को। ठीक है, तो चलिए 13 को बाहर करेंगे यदि, तो बन जाएगा 7 × ये 13 तो निकल गया बाहर, 7 × 1 मिनट 7 × यहाँ पे 11 होगा। ठीक है, 11 तो यहाँ पे हो जाएगा 11, तो 7 × 13 तो निकल गया, उसके बाद बचा 11। ठीक है, 11 × 1 + 1। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 13 × 11 = 77 + 1 = 78। ठीक है, तो 78 को हम लिख सकते हैं 13 × 13 × क्या लिखेंगे 78 को हम लोग, तो 13 × 2 से इधर कर लीजिए, 13 दो बार में लगाएंगे कितना लगेगा 78 को, तो 2 बार में लगाएंगे 2 × 3 = 6 = 39। ठीक है, 2 बार में लगाएंगे तो 39, 3 बार में लगाएंगे 13। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका a, a बराबर लिख लीजिएगा, आप लोग को लिखना है जी क्या कि a अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल है, ये जो है अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल है, का गुणनफल है, गुणनफल है, तो अतः या अभाज्य संख्या, अतः या अभाज्य है, अतः या अभाज्य है, अभाज्य है। ठीक है, ये था ए। अब बी को हम पुनः सॉल्व करेंगे, पुनः बी बराबर क्या है, तो बी बराबर जो है 7 × 7 × 6 यहाँ पे सब यहाँ सब जीरो में यहाँ कर देते हैं। ठीक है, 5 को बाहर यदि निकालते हैं हम लोग तो आप लोग को होगा 7 × 6 × 1 5 तो निकल गए, तो बन जाएगा 1 × 1 × 4 × 3 × 2 × 2। ठीक है, अब इसे हम लोग हल करेंगे तो 5 × से गुना करिएगा आप लोग को, तो आप लोग को आ जाएगा +1 यहाँ पे करना है ना, सॉरी ये वाला ये निकल जाएगा तो 1 बचेगा, तो इसको गुना करिएगा तो आप लोग को आएगा 108। ठीक है, 1008 आता। ठीक है, गुना करिएगा तो आप लोग को आएगा 1008। तो 1008 को हम लिख सकते हैं इस तरह से, 2 बार में लगाएंगे तो कितना लगेगा, ये हो जाएगा 5 बार में 10 हो जाएगा खत्म, इसके बाद 0 हो जाएगा, ये 504 हो जाएगा। ठीक है, 2 बार में लगाएंगे ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 252। ठीक है, 2 बार में लगाएंगे 126 होगा। ठीक है, 50 का 100 का आधा होता है 50, और 26 का आता 13 होता है 130, यानी कि 63 होगा 2 बार में, 63 होता है। ठीक है, 3 बार में लगाएंगे तो 21 होगा, 3 बार में लगाएंगे 21 होगा, 3 बार में लगाएंगे 7 होगा। अब गुना कर लीजिएगा तो 5 × 2 × 2 × 2 × यानी कि 1 × 2 × 3 × 3 × 3 × 7 ये भी यही बात लिखना है। बी का अभाज्य गुणनखंड है, बी का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल आता है, या भी भाज्य, सॉरी या भी भाज्य संख्या। तो बताइए आप लोग को कुछ थोड़ा सा भी समझने में दिक्कत है तो बोलिएगा, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो आप लोग को 1.1 कंप्लीट हो चुका है, 1.2 भी कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग को 1.3 में पढ़ना होता है कि अपरिमेय संख्या प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप लोग अपरिमेय संख्या प्रूव करने से पहले आप लोग को यह जानना जरूरी है कि आप लोग अपरिमेय संख्या हम लोग किसे बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए अपरिमेय संख्या जो होता है जैसे रूट फाइव
रूट 6, रूट 8, रूट 10, ये सभी जो है आप लोग का ये होता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है आप लोग बोलिएगा जी, तो बोलिएगा अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है भैया, तो आप बोलिएगा अपरिमेय संख्या होता है भैया जी, ठीक है जी। चलिए जी आगे चलते हैं और देखते हैं, जैसे 1/√2 क्या होगा, तो बोलिएगा कि अपरिमेय संख्या। 1/√8 क्या होगा जी, तो बोलिएगा अपरिमेय संख्या। 1/√16 बताइए आप लोग क्या होगा जी, तो 1/√16 बोलिएगा, ये तो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बोलिएगा तो आप लोग को गलत हो जाएगा। क्या बोलिएगा, क्या सुन रहे हैं, तो अपरिमेय संख्या यदि बोलिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि रूट 16 का मान होता है 4, तो 1/4 जो है आप लोग को होता है परिमेय संख्या। क्या होता है जी, तो परिमेय संख्या होता है, आप लोग को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए जी आगे चलते हैं हम लोग, तो ये वाला गलत हो गया, मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग कर देते हैं रूट 17, तो ये हो गया आपका अपरिमेय संख्या जी। चलिए जी, तो ये क्या हो गया, तो अपरिमेय संख्या। चलिए यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत है, तो नहीं दिक्कत है जी, ठीक है जी। चलिए जी आगे चलते हैं, जैसे 2+√3 क्या है जी, तो बोलिएगा अपरिमेय संख्या है। 3√5 क्या है जी, तो अपरिमेय संख्या। इसी तरह का आप लोग को यदि संख्या रहे तो बोलिएगा आप लोग को ये जो होता है अपरिमेय संख्या होता है जी, ठीक है। आप बताइए अपरिमेय संख्या समझने में कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, तो आपका कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा जी, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, कि अब क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो देखिए आप लोग यदि गलती करते हैं अपने घर में भी, तो सबसे पहले बोलते हैं कि हम नहीं गलती किए, मतलब कि किसी को बाय द वे हम मारे, ठीक है। तो यदि उसका मम्मी आपके पास आए तो बोलती होगी कि यही मारा, तो आप लोग बोलते होंगे कि हम नहीं मारे हैं, ठीक है। या किसी भी काम के तो बोलते, सबसे पहले आप लोग गश्ते नहीं है कि हम ये काम नहीं किए हैं, और आप लोग को अंतिम जाते जाते पता चल जाता है तो बोलते हैं कि जी हम थे, मार खाने लगते हैं तो बोलते हैं आप लोग कि हम थे। वही बात आता है यहाँ पे अपरिमेय संख्या के साथ। सबसे पहले आप लोग को जो होता है √3 अपरिमेय संख्या प्रूव करना है, लेकिन ये तो आप लोग को पता है कि √3 जो है अपरिमेय संख्या है, लेकिन आप लोग को प्रूव करने के लिए बोलता है क्वेश्चन। तो आप लोग सबसे पहले गछ लीजिएगा कि हमें मालूम नहीं है, तो आप लोग बोलिएगा कि माना कि, यानी कि कल्पना करें कि √3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे गलत मान लिए हम लोग, अंतिम जाते जाते साफ साफ पता चल जाएगा कि आप क्या माने, क्या सही हुआ या क्या गलत हुआ, ठीक है। तो आप लोग को धैर्य बनाकर रखे रहिएगा, वीडियो को कंटिन्यू करते रहिएगा, और आप लोग को एनर्जी लॉस नहीं होना है, आप लोग फुल एनर्जी के साथ वीडियो को कंटिन्यू करते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग को अच्छा खासा नंबर लाना है 2025 में। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन रहेगा जी, चलिए आपका क्वेश्चन होता है शुरू, तो अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आपका क्वेश्चन है जी कि सिद्ध कीजिए कि आपका √5 एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है जी। चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। सबसे पहले आप लोग बताइए कौन कौन पढ़ के आए, मतलब कि कहीं पे ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़े होंगे √5 अपरिमेय संख्या प्रूव करने के लिए। आपको पता होगा कि ऐसा क्वेश्चन आप लोग को एग्जामिनेशन हॉल में रहता है, ठीक है, फाइनल एग्जाम बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग को ये क्वेश्चन बनाइएगा यदि, तो आप लोग को 2 नंबर मिलेगा। क्या सुन रहे हैं जी, तो आप लोग को 2 नंबर, तो आप लोग 2 नंबर ध्यान से रखे रहिएगा अभी से ही। तो बताइए आप लोग, यदि आप लोग पहले से ही पढ़े तो यस लिखिए, और नहीं पढ़े तो नो लिखिए। चलिए तो आप लोग बहुत सारे 80% बच्चे नहीं पढ़े हैं, क्योंकि सभी को 10 एक ही बार पढ़ना होता है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं हम लोग, सबसे पहले हम प्रूव करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग प्रूव करते चलते हैं जी, कि सबसे पहले आप लोग लिखिएगा कि माना की, या कल्पना करिए माना, ठीक है, माना की √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है जी, परिमेय संख्या है, ठीक है जी, परिमेय संख्या है। तो बताइए आप लोग परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो
तो आप लोग यदि कलम कॉपी अभी तक नहीं निकाले तो आप लोग कलम कॉपी निकाल लीजिए और आप लोग लिखते चलिएगा कि वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जाए और q इक्वल टू शून्य नहीं होना चाहिए, तो उसे हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या आप लोग लिखे? तो जी आप लोग लिख लिए होंगे, वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जाए अर्थात q इक्वल टू शून्य नहीं होना चाहिए, उसे हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या आप लोग लिख चुके हैं? तो जी हम आप लोग को ये लिखा चुके हैं और आप लोग लिख लिए होंगे भी, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं, तो अब बात करते हैं कि रूट फाइव जो है, तो यदि परिमेय संख्या है तो हम लिख सकते हैं ए बटा बी कि नहीं लिख सकते हैं? तो आप लोग बोलिएगा जी कि परिमेय संख्या तो होता है पी बटा क्यू और आप लिख रहे हैं ए बटा बी, ये तो गलत बात है। लेकिन 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 तो आप लोग को मन है आर बटा यस लिख सकते हैं, के बटा यल लिख सकते हैं, यम बटा यन लिख सकते हैं, यल बटा पी लिख सकते हैं, कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं। क्या सुन रहे हैं? जी हाँ, तो हम लिख सकते हैं सर आर बटा यस। तो जी जी आप या आर बटा यस लिख सकते हैं, तो आप लोग लिखिए, ठीक है। तो हम लिखे ए बटा बी, क्योंकि आप लोग को कुछ ना कुछ सीखना है, ठीक है। ये चैनल पे आए हैं, यदि आप लोग कुछ सीखना चाहते तभी आए हैं। तो आप लोग को रूट फाइव बराबर ए बटा बी हम लिख सकते हैं, तो हाँ आप लोग लिख सकते हैं, आपको जो मन हो वो लिखे, ठीक है। जैसे आपका नाम मन खुश हुआ तो यम लिखिए, मोनू हुआ तो यम लिखिए, गोलू हुआ तो जी लिखिए, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन आप लोग को p बटा q यानी कि बटा में हर और अंश के रूप में लिखा रहना चाहिए और ये जो b है b बटा b में शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। चलिए तो अब आगे बात करते हैं, तो हम परिमेय संख्या का बारे में तो हम लिख सकते हैं ना जी कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो आप लोग लिखिएगा परिमेय संख्या कि जहां a और a कॉमा b सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। अब बताइए सह अभाज्य संख्या क्या होता है? तो सह अभाज्य को प्राइम नंबर सुने होंगे। तो को प्राइम मतलब होता है कि यदि दो संख्या को हम लोग मासा निकाले तो उनका आना चाहिए एक, कितना आना चाहिए? तो एक आना चाहिए जी हाँ। अब बात जाने हम लोग, तो मासा का इसे शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं महत्तम समावर्तक, फुल फॉर्म होता है महत्तम समावर्तक, तो आना चाहिए एक। यदि आपका आ गया एक तब तो सही है, नथार्थ आप लोग का गलत है, ठीक है जी। चलिए जी तो आगे चलते हैं अब हम, कि यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो अब बात करते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। चलिए तो रूट फाइव का स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, नहीं तो आप लोग लिख सकते हैं यहां पे ए बटा बी का होल स्क्वायर, ठीक है जी। चलिए जी आगे चलते, तो रूट फाइव का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बताइए आप लोग? तो बोलिएगा आप लोग रूट फाइव का स्क्वायर करेंगे भैया तो आप लोग का आएगा कि पांच, क्या होगा जी? तो पांच होगा। अब देखिए ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हम? तो आप लोग बोलिएगा जी क्यों नहीं हम लिख सकते, लिख सकते हैं ये बात। तो अब बात करते हैं कि हम लिख सकते हैं चूंकि पांच जो है सॉरी यहां पर एक मिनट आओ, एक लाइन को और चलते, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो बन जाएगा फाइव बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, ठीक है जी। चलिए कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं हम लोग, तो अब लिखना है चूंकि ए स्क्वायर जो है ए स्क्वायर पांच को विभाजित करता है, ए स्क्वायर पांच को विभाज्य करता है तो ए भी पांच को विभाज्य करेगा, ए भी पांच को विभाज्य करेगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत यहां तक नहीं हो रहा होगा। चलिए जी आगे चलते हैं, अब निकालते हैं, हमें इतना सही आप लोग को प्रूव नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारे लोग इतना पे ही छोड़ देते हैं, तो आप लोग को कितना नंबर मिलेगा? यदि यहां तक बनाइएगा तो आप लोग को एक नंबर मिलेगा,
क्या मिलेगा, तो एक नंबर मिलेगा। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे तो दो नंबर मिलेगा, अब कैसे हम बनाएंगे तो दो नंबर मिलेगा, ये तो बात जानना बहुत जरूरी है। तो अब हम फिर से लिखते हैं, अब माना कि यहां पे जो है समीकरण वन तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो फाइव के। ठीक है जी, ए बराबर फाइव के मान लेते, ठीक है जी, ए बराबर फाइव के, चलिए कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो अब लिखेंगे हम लोग समीकरण एक में ए का मान रखने पर। ठीक है जी, चलिए तो अब ए का मान रखते हैं हम समीकरण एक पर, तो आपका समीकरण जो है 5b² = a² है। ठीक है जी, a स्क्वायर है, तो आप लोग a का मान रख सकते हैं, तो 5b² = a² का 5 के स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर होता है 25 और k का स्क्वायर होता है k². ठीक है जी, तो देखिए 5 × 5 = 25, तो ये हो जाएगा b² जो है आपका 5k² का विभाज्य करेगा। तो आप लोग लिख सकते हैं यही बात को कि b² 5 को विभाज्य करता है, को विभाज्य करता है, तो b भी 5 को विभाज्य करेगा। तो अब देखिए यहां तक अब आप लोग का क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो अब लिखिएगा आप लोग जी कि आप लोग लिखिएगा कि समीकरण एक से समीकरण एक लिखते चलिएगा, आप लोग कलम कॉपी में लिखते चलिएगा, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं साइड में यहाँ पे। ठीक है जी, आप लोग ध्यान में रखिएगा, अंतिम में ये वाला लिखना है, समीकरण एक और ये वाला दो समीकरण बन गया। ठीक है, समीकरण एक और दो से साफ पता चलता है कि हमारी मान्यता गलत है। ठीक है जी, क्यों गलत है अब जानना है। देखिए हमें मासा सहभाज्य संख्या जब माने तो मासा आना चाहिए ये, लेकिन आ रहा है क्या जी, तो आ रहा है 5, तो क्या गलत है या नहीं है? तो आप लोग बोलेगा जी ये तो सारी गलत है। तो आप लोग को ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और आप लोग को दो नंबर प्राप्त हो गया। ठीक है, यदि इस तरह से आप लोग लिखिएगा तो चलिए, तो आप लोग ये क्वेश्चन को नोट करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, तो आप लोग नोट करते रहिए। चलिए, तो आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए जी, तो आगे चलते हैं हम लोग कि लिखते हैं, फिर से शुरू करते हैं कि माना कि 1/√2 क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है, तो अब परिमेय संख्या है। तो चलिए अब माना कि 1/√2 परिमेय संख्या है, तो बात करते हैं हम लोग कि यदि परिमेय संख्या है तो 1/√2 जो होगा सहअभाज्य संख्या होगा, चलिए तो आपका 1/√2 जो है सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, जहां की q=2 शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आप लोग को बता चुके हैं अगला क्वेश्चन में है कि आप लोग को सहअभाज्य संख्या का SCF कितना होता है, तो आप लोग बोलिएगा SCF होता है 1। ठीक है, 1 होता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग, अब लिखना है हम लोग को कि दोनों तरफ वर्ग करने पे। ठीक है जी, चलिए तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे और यहां पे लिख लेते 1/√2 = a/b।
ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि ए बटा बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, वन बाई रूट टू का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। तो अब बताइए रूट टू का स्क्वायर क्या होगा। चलिए तो आगे चलते हैं, वन बाई रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा ये वन बाई टू, ठीक है। यदि रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो आप लोगों को बनता है रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो बन जाता है टू, ठीक है। तो अब बन गया वन स्क्वायर वाई वी स्क्वायर, ठीक है, वन स्क्वायर वाई वी स्क्वायर। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा ये बी स्क्वायर वाई बराबर टू ए स्क्वायर, टू ए स्क्वायर। तो अब हम लिखेंगे कि चूंकि बी स्क्वायर दो को विभाज्य कर रहा है, बी स्क्वायर दो को विभाज्य कर रहा है, विभाज्य करता है, तो बी भी दो को विभाज्य करेगा, को विभाज्य करेगा, ठीक है जी। चलिए तो अब आगे चलते हैं कि अब लिखते हैं, माना कि इसको हम समीकरण एक दे सकते हैं। तो माना कि बी बराबर टू के, ठीक है, जहां के है नियंत्रक है, ठीक है जी, के नियंत्रक है। चलिए सभी लिखना कोई जरूरी नहीं। तो चलिए आगे चलते हैं कि बी बराबर टू के, तो अब लिखेंगे समीकरण एक में बी का मान रखने पर, ठीक है जी, रखने पर। तो अब बताइए आपका समीकरण जो है बी स्क्वायर बराबर टू ए स्क्वायर है, टू ए स्क्वायर है। तो आगे चलते हम लोग बी का मान रखते हैं तो टू के स्क्वायर बन जाएगा, उसके बाद बन जाएगा फोर ए स्क्वायर। तो ये बन जाए, सॉरी यहाँ पे टू ए स्क्वायर होगा। तो अब इधर बन जाएगा फोर के स्क्वायर बराबर टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो दो दूनी चार होता है, तो आप बन जाएगा अब टू के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, टू के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब बताइए फिर से यही बात लिखना है, चूंकि ए स्क्वायर जो है ए स्क्वायर दो को विभाज करता है, ए स्क्वायर दो को विभाज करता है, विभाज करता है, तो ए भी दो को विभाज करेगा, विभाज करेगा। तो अब बताइए आप लोग कि दो का मासा क्या होगा, दो और दो का मासा क्या होगा, बताइए आप लोग। तो बोलिएगा आप लोग दो होता है, लेकिन हम माने यहाँ पे कि सा अभाज्य संख्या और एचसीएफ क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए एक। तो बताइए आप लोग को आ रहा है दो, तो क्या गलत है या सही है, तो आप लोग बोलिएगा कि ये गलत है, तो हमारा मान्यता गलत है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि समीकरण एक और दो से हमें साफ पता चलता है कि हमारी मान्यता गलत है, जो कि हम माने परिमेय संख्या, लेकिन होना चाहिए ये अपरिमेय संख्या। तो अब आप लोग को वन वाई रूट टू भी प्रूव करने के लिए आ गया होगा। तो अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग कि अगला क्वेश्चन है सिद्ध करें कि थ्री प्लस टू रूट फाइव को अपरिमेय संख्या प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग प्रूव करते हैं। चलिए तो अब आपको ये क्वेश्चन भी प्रूव करना है, तो फिर से हम शुरू करते हैं कि माना कि थ्री प्लस टू रूट फाइव क्या है, तो परिमेय संख्या क्या है जी, तो परिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या है, तो आप लोग लिख सकते हैं थ्री प्लस टू रूट फाइव बराबर ए बटा बी, जहां की बी एक्सक्वल टू शून्य नहीं होना चाहिए, और ये सहअभाज्य संख्या है, ठीक है जी, सहअभाज्य संख्या, ठीक है।
चलिए तो आगे लिखते हैं हम लोग। अब हम दो रूट फाइव को हम इधर कर सकते हैं, तो a बटा बी माइनस रूट सॉरी थ्री हो जाएगा। ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? तो आप लोग बोलेगा जी बनेगा। तो अब ऐसा बनेगा, तो अब देखिए हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, फाइव बराबर रूट फाइव बराबर ए बटा टू बी माइनस थ्री बटा टू, होगा या नहीं होगा? तो जी बोलिएगा आप लोग, होगा। क्या होगा? तो होगा जी। चलिए जी, तो अब ये जो है ये है परिमेय संख्या। यहां पे आप लोग b का मान कुछ भी रखिए और a का मान कुछ भी रखिए तो आप लोग का बनेगा परिमेय संख्या। और रूट फाइव क्या है? तो ऊपर हम क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किए थे कि रूट फाइव है आप परिमेय संख्या। तो बस आप लोग का क्वेश्चन बन गया, आप लोग का क्वेश्चन बन गया, ये हो गया आप परिमेय संख्या, आप परिमेय संख्या, और ये हो गया परिमेय संख्या। तो बस आप लोग को थ्योरी लिख देना है कि इतना समय हमें साफ साफ पता चलता है कि हमारे मान्यता गलत है। जो भी आप लोग अंतिम में लिख रहे थे, जो भी थ्योरी था, वही आप लोग को सिर्फ चिपकाते जाना है, ठीक है? तो आप लोग लिख लीजिएगा कि नहीं लिखिएगा? तो आप लोग बोलेगा जी हम लिख सकते हैं, तो आप लोग लिख लीजिएगा इसका थ्योरी कि आप लोग को क्या लिखना है, ठीक है जी? चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग को कि सेवन रूट फाइव परिमेय संख्या प्रूव करना है, ठीक है? यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, तो हम इसे शॉर्ट में बताएंगे कि यहाँ पे सेवन रूट टू सेवन रूट फाइव करना है। तो आप लोग को करना है कि आप परिमेय संख्या प्रूव करना है, ठीक है जी? आप परिमेय संख्या सिद्ध करना है। चलिए तो आप लोग लिखिएगा कि माना कि रूट सेवन रूट फाइव एक परिमेय संख्या है, ठीक है? परिमेय संख्या है जहां की सेवन रूट फाइव ए बटा बी, बी एक्सकेल टू शून्य नहीं होना चाहिए, जो कि सहअभाज्य संख्या है, ठीक है? सहअभाज्य संख्या है जिसका मतलब आशा आना चाहिए एक, ठीक है? तो बताइए आप लोग रूट फाइव बराबर हो जाएगा ये ए बराबर सेवन बी। तो देखिए ऐसा ही बन गया, तो ये भी बन गया आप लोग को परिमेय संख्या और ये हो गया आप लोग का अपरिमेय सॉरी ये वाला हो गया परिमेय संख्या और ये वाला हो गया अपरिमेय संख्या। तो आप लोग सिर्फ आप लोग को थ्योरी लिख देना है और आप लोग का क्वेश्चन बन गया। तो बताइए आप लोग को 1.3 में थोड़ा सा भी दिक्कत है तो आप लोग बोलिएगा कॉमेंट बॉक्स में, ठीक है? देखिएगा 1.4 कोई खास चैप्टर नहीं है, लेकिन यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग बहुत कम समय में 1.4 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा फुल एनर्जी के साथ और वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं कि हमारा वीडियो शुरू करने से पहले यानी कि रियल नंबर का 1.4 सॉल्व करने से पहले आप लोगों को कुछ थोड़ा सा पॉइंट डिस्कशन करना था, ठीक है? तो वो हम सबसे पहले डिस्कशन करते हैं। जैसे कि इसमें पढ़ना है तो शांत अभ्यर्थी, शांत और अशांत, ठीक है? शांत और अशांत के बारे में पढ़ना है, ठीक है जी? चलिए तो शांत किसे बोलते हैं और अशांत किसे बोलते हैं? और अशांत का दो प्रकार होता है, ठीक है? अशांत दो प्रकार में विभाजित होता है। पहला होता है अशांत, अशांत अभिवृत्ति, और दूसरा होता है अशांत अनावृत्ति। अशांत अनावृत्ति, तो बताइए आप लोग शांत यदि क्लास नाइन में पढ़े होंगे, शांत अशांत फर्स्ट चैप्टर में ही आप लोग को वहां पढ़ना था शांत और अशांत, यदि तो आप लोग नहीं पढ़े होंगे तब तो बहुत बड़ा मिस कर दिए होंगे, ठीक है? और इसमें जानना है हर और अंश, हर कौन सा होता है और अंश कौन सा होता है, ठीक है? यदि आप लोग इतना जान जाते हैं तो आप लोग को थोड़ा सा भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब हम समझते हैं शांत। जैसे कि हम लोग आठ भागा चार करें, मान लेते आठ भागा सोलह, तो दो बार में लगेगा आठ दुनाई सोलह, आपका होगा भाग दो। तो इसे हम लोग बोलते हैं शांत अभिवृत्ति। क्या बोलते हैं? शांत आवृत्ति। क्या बोलते हैं जी? शांत आवृत्ति। यदि आपका यहां 164 रहे, ठीक है,
तो आप लोग बताइए 8 × 16 4 यहाँ पे उतारिएगा कि नहीं उतारिएगा। तो आप लोग बोलिएगा जी उतारेंगे, जरूर उतारेंगे। तो अब उतारेंगे 4 तो यहाँ पे पॉइंट देना पड़ेगा, तब यहाँ पे शून्य आएगा। तो 8 × 5 = 40 आपका हो जाएगा 2.5। तो ये भी आपका हो गया शांत आवृत्ति, शांत आवृत्ति। ठीक है, क्या होगा तो शांत आवृत्ति। आगे चलते हम लोग 6/7 यानी कि 6/7 को हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, एक बार में लगेगा कितना होगा, 1 होगा, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे 10 होगा। ठीक है जी, चलिए आगे लगाते हैं। एक बार में 6 होगा, 4 होगा, फिर पॉइंट के बदले शून्य आएगा तो 6×6 = 36 होगा, और ये 40 होगा, फिर आएगा 4, उसके बाद 6 6 6 6 ऐसा चलता जाएगा, 6 6 6 6 करता जाएगा। तो उसे हम लोग बोलते हैं अशांत आवृत्ति, उसे बोलते हैं हम लोग अशांत आवृत्ति। क्या बोलेंगे जी, अशांत आवृत्ति। क्या सुन रहे हैं, अशांत आवृत्ति। ठीक है, चलिए आगे चलते। जैसे कि अशांत आवृत्ति का ऑप्शन लेते हैं 1.21, उसके बाद 2212, मतलब कि जैसे यहां पे दो बार है, दो बार एक है एक बार, उसके बाद नेक्स्ट बार जाएगा, डबल डबल रिपीट करता रहेगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं अशांत आवृत्ति, अनावर्ती। ठीक है, अशांत अनावर्ती। बात आप समझ रहे होंगे, तो आप लोग बात समझ रहे होंगे। ठीक है जी, चलिए। लेकिन अब शांत पर कुछ टॉपिक, जब वजह से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा शांत है, कौन सा अशांत है। ठीक है जी, तो शांत है कौन सा और अशांत कौन सा है, तो आप लोग अब समझिए कि जिसका गुणनखंड, सब पहले समझिए हर और अंश। ऊपर वाला को हर कहते हैं, नीचे वाला को अंश बोलते हैं। जैसे 2/5, 2/5 में हर कौन सा, अंश कौन सा, बताइए आप लोग 2/5 में अंश कौन है और हर कौन है। तो बोलिएगा आप लोग कि ये तो पता है, नीचे होता है अंश और ऊपर होता है हर, ऊपर होता है हर, नीचे होता है अंश और ऊपर होता हर। तो आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। तो और यदि हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, आप कुछ वीडियो से हट के बात करते हैं, आप लोग को और हम लोग में पर्सनल बात है। ठीक है जी, चलिए आप बताइए कि रियल नंबर तो कंप्लीट होने वाला और कंप्लीट हो चुका है, इतना सही आप लोग को क्वेश्चन बन जाएगा, जितना भी क्वेश्चन आता है सभी के सभी आप लोग से बन जाएगा। तो बात करिए, अब बात करते हैं हम लोग कि क्या अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए रियल नंबर का या नेक्स्ट चैप्टर शुरू होना चाहिए। बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि आप लोग का नेक्स्ट चैप्टर शुरू होना चाहिए या रियल नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या गैस पेपर, कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है रियल नंबर से, क्या बोलते हैं आप लोग। तो जैसी आपकी मर्जी, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, आपका भला तो हमारा भी भला होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे नीचे वाला होता है अंश और ऊपर वाला हर होता है। ठीक है जी, चलिए। और अशांत आवृत्ति में बोलना है कि जिसका अंश, यहाँ पे अंश का ही खेला होता है। ठीक है जी, शांत और अशांत में होता है अंश का ही खेला। तो अंश में यदि 2 का गुणज हो, 5 का गुणज हो, या 2 और 5 दोनों हो, तो होता है वो शांत होता है। क्या होता है जी, तो वो हो जाता है शांत हो जाता है। ठीक है, सही सुन रहे हैं, वो होता है शांत होता है। और जो 2 और 5 के अलावा किसी और हो जाए तो वो हो जाता है अशांत हो जाता है। ठीक है जी, अशांत हो जाता है। चलिए जी आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा। चलिए, अशांत हो जाता है। तो अब इतना आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो चलिए, आप लोग को सबसे पहला क्वेश्चन है जी कि 13/135 क्या है। 13 मतलब कि 13/135 क्या है, 13/125 शांत है या अशांत है, शांत है या अशांत है। तो हम लोग यहां करते हैं 3125 का, तो 3125 का करेंगे तो कितना बार में लगाइएगा, तो 5 बार में लगाइएगा। 5 बार में लगाइएगा तो 5×6 = 30 होता है, 1 बचेगा, 5×2 = 10 होता है, 2 बचेगा, 525 हो जाएगा। ठीक है, 5 बार में लगाएंगे तो 125 बनेगा, 5 बार में लगाएंगे 25 बचेगा,
पांच बार में लगाएंगे पांच बचेगा, बताइए अब ये शांत होगा या अशांत होगा। 13/3125 बोल रहा आप लोग को क्वेश्चन, देखिए आप लोग एनसीईआरटी बुक का कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत अशांत होगा बताइए। तो देखिए पांच को जो आ गया है दो रहना चाहिए या पांच रहना चाहिए, दोनों रहना चाहिए, तो ये पांच मिल गया तो बताइए आप लोग को शांत होगा या अशांत होगा, कौन सा होगा। तो आप लोग बोलिएगा कि ये तो पता चल गया ये हो जाएगा जी शांत हो जाएगा, क्या होगा जी, तो आप लोग बोलिएगा शांत होगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, शांत होगा। चलिए जी आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। चलिए बताइए पहला क्वेश्चन 17 दूसरा क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, सॉरी एक बार हम मिटा देते हैं। चलिए तो आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि 17/8 क्या है, शांत होगा या अशांत होगा, शांत होगा या अशांत होगा बताइए, तो क्या होगा। तो आप लोग बोलिएगा कि 8 का निकालते हम तो दो बार में लगेगा चार लगाएगा, दो बार में लगाइएगा दो बनेगा, तो हम बताए थे कि शांत का नियम होता है, शांत का नियम आप लोग लिख लीजिएगा, शांत का नियम दो का गुणज हो या पांच का या दो गुने पांच हो, ये रहना चाहिए गुणनखंड में, ठीक है। चलिए तो बताइए आप लोग तो ये क्या होगा, तो आप लोग बोलिएगा शांत होगा, ठीक है। बताइए आप लोग 64/455 क्या होगा, 64/455 क्या होगा, तो आप लोग 455 का निकालिएगा कितना बार में लगाइएगा, तो पांच बार में लगाइएगा 91 बताइए, ये बार लगेगा 63/91 बताइए आप लोग क्या होगा, शांत होगा या अशांत होगा, क्या होगा बताइए आप लोग फास्ट। तो आप लोग बोलिएगा ये हो जाएगा तीसरा अशांत अनाविरती, ये रिपीट करता जाएगा, ठीक है। आप लोग भाग कीजिएगा यदि तो आप लोग का अशांत अनाविरति हो जाएगा, ठीक है जी। जैसे देखिए आप लोग को ये क्वेश्चन हम बताते हैं, आप लोग का क्वेश्चन है कि 455 और 64 में भाग करना है, तो यहाँ पे 0 देंगे, यहाँ पे 640 एक बार में लगाएंगे, 455 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5 होगा, उसके बाद ये बन जाएगा 13, 13 में से 5 जाएगा 8 बचेगा, ये 185 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लगाएंगे पॉइंट है तो अब आगे लगाइए, ऐसा ही करते चलिएगा तो आप लोग को आगे चल जाएगा अशांत अनावृत्ति पे, ठीक है। यानी कि हम बता चुके अशांत अनावृत्ति किसे कहते हैं, तो आप लोग को इतना ही चैप्टर में पढ़ना था। चलिए तो आप लोग को रियल नंबर का चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो अब बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कि अब सेकेंड चैप्टर शुरू करना है या इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।